हेलो गाइस, दिस इज तरुण सुनकर और स्वागत है आप लोग का फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल डिसिप्लिन ट्रेडर पे। तो गाइस, आज जो हम IIFL सिक्योरिटीज से हम इंटरडे में ट्रेडिंग कैसे करते हैं, साथ में अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं मार्केट में, वो हम समझने वाले हैं। तो अगर आपको ये चीज सीखना है तो आपको वीडियो अंत तक देखना है। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, ये है हमारे चैनल डिसिप्लिन ट्रेडर के नाम से। आप प्ले लिस्ट में आकर के हमारे चैनल के कंटेंट को आप चेक कर सकते हैं। हम यहाँ स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, हम यहाँ क्रिप्टो से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, हम यहाँ स्ट्रेटेजी से रिलेटेड बनाते हैं, जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रेंड लाइन, इंडिकेटर, डिमांड एंड सप्लाई और इंडिकेटर वगैरह से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट स्ट्रेटेजी से रिलेटेड वीडियोस देखना है या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए होगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं कभी कभार लाइव भी आता हूँ, कुछ कुछ क्वेरीज रहती है हमारे व्यूअर का, वो मैं सॉल्व करता हूँ, कुछ चीजें मैं आप लोग से भी सीखता हूँ। तो चलिए गाइस, अब हम अपने स्क्रीन पर चलते हैं और इंटरडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं और साथ में अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं IIFL सिक्योरिटीज से, वो हम समझने वाले। तो गाइस, हम अपने डैशबोर्ड पे आ चुके हैं, ठीक है। ये हमारा IIFL सिक्योरिटीज का डैशबोर्ड है। अभी हम क्या समझने वाले हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करना है, साथ में हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे लगाना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली सर्च बार में जाना है और जो भी स्टॉक में आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना होगा उस स्टॉक को सर्च कर देना है। सपोज मुझे SBI में जो है इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, तो यहाँ मैं SBI सर्च करूंगा, यहाँ हमारा स्टॉक आ जाएगा। आपको सिंपली NSE वाले जो स्टॉक है उसको सेलेक्ट कर लेना है, BSE को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ 19-20 का ही फर्क रहता है प्राइस पर, ठीक है। अब यहाँ स्टॉक को बाई भी कर सकते हैं, स्टॉक को सेल भी कर सकते हैं। हम क्या करने वाले हैं, बाई करने वाले हैं, स्टॉक को सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइस देखिए, यहाँ आपको बाई नाउ पे लेटर, डिलीवरी, इंट्राडे तीन ऑप्शन आ रहा है, तो आपको सिंपली इंट्राडे के ऑप्शन को क्लिक करना है। अभी हम क्या समझ रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग और साथ में स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ऑर्डर में आपको SL दिखाई दे रहा होगा, बस इसी को क्लिक कर देना है। यहाँ आप अपने फंड के हिसाब से क्वांटिटी डाल सकते हैं, जितना क्वांटिटी आपको लेना होगा। उसके बाद गाइस यहाँ आपको प्राइस दिख रहा है, प्राइस के ऊपर में मार्केट दिख रहा है। मार्केट मतलब कि आपका जो मार्केट पे चलते रहेगा वही भाव पे आप एंट्री करोगे। जैसे अभी इसका भाव चल रहा है 466.15, तो जो मार्केट पे चलते रहेगा अभी इसका भाव 470 पे भी चले जाएगा तो आप 470 के भाव पे एंट्री करोगे, ठीक है। अब ये होता है हमारा लिमिट ऑर्डर, अगर हम मार्केट के टिक को हटा देंगे तो हमारा एक लिमिट ऑर्डर आ जाएगा, तो हम अपने मनपसंद हिसाब से अपना एंट्री कर सकते हैं। जैसे अभी इसका भाव चल रहा है 466.50, तो हम 460 के भाव पे यहाँ एंट्री करना चाहते हैं, यानी कि मार्केट 5-6 रुपये नीचे गिरेगा और 460 के रेंज पे आएगा तो हम इमीडिएट हमारा ऑर्डर मार्केट में प्लेस हो जाएगा, साथ में हम 10 रुपये नीचे अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा देते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब कुछ भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सिंपली बाई के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। उसके बाद आप कंफर्म बाई के ऑप्शन को क्लिक करोगे तो आपका ऑर्डर जो है मार्केट पे प्लेस हो जाएगा। ये हो गया हमारा लिमिट ऑर्डर से। अगर आपको मार्केट ऑर्डर करना है तो जो मार्केट पे चलते रहेगा वही भाव पे आपका एंट्री होगा, ठीक है। जैसे अभी 466 के भाव पे हमारा ऑर्डर चल रहा है, आप यहां से बाई करोगे इमीडिएट 466 के भाव पे हमारा ऑर्डर मार्केट पे प्लेस हो जाएगा और साथ में हमारा 450 रुपये पे स्टॉप लॉस ऑर्डर लग जाएगा, यानी कि यहाँ से 16 रुपये नीचे। आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको जो है सिर्फ 5-6 रुपये का यहाँ से नुकसान लेना है तो आप 460 के भाव पे अपना ऑर्डर लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप लिमिट ऑर्डर पे बाइंग सेलिंग करें, क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप ऑर्डर लगा रहे हैं और इसका भाव अचानक से 480 चले गया तो आप चाह रहे 465 के भाव पे बाइंग करना और इसका भाव 480 चले गया तो क्या करोगे आप, आपका ऑर्डर 480 के भाव पे लगेगा। तो देखिए गाइस, इतना डिफरेंस हो जाता है। अगर आप 465 के भाव पे लगाते और 480 के भाव पे आप एग्जिट हो जाते 15 रुपये प्रॉफिट बुक करके, अब आपका ऑर्डर ही 480 के भाव पे लग रहा है तो आप क्या प्रॉफिट बुक करोगे, डेफिनेटली नुकसान होगा, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप लिमिट ऑर्डर का यूज करें, ठीक है। और ठीक है गाइस, और आप लोगों को कुछ भी क्वेरीज रहेगी तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आप लोग के कमेंट का प्रॉपर रिप्लाई करूंगा। और ये बी ऑर्डर सी ऑर्डर क्या है इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो पे बताने वाला हूँ। तो आई होप गाइस आपको ये चीजें समझ आ गया होगा, आप समझ गए होंगे और मैं इसी टाइप से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूँ, मैं स्ट्रेटेजी से रिलेटेड भी वीडियोस बनाता हूँ। अगर आप स्टॉक मार्केट पे बिगिनर है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेफिनेटली आपको यहाँ से चीजें सीखने को ही मिलेगा। तो चलिए हम नए स्ट्रेटेजी और नए वीडियोस में मिलते हैं, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।